हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी दिन से आप भी चल रहा है, आप भी काफ़ी बोर हो गए थे। मुझे पता है कि एक ही चैप्टर अगर बहुत दिनों तक चले तो काफ़ी उसमें बच्चे जो है लीप कर जाते हैं। लेकिन आइए आज शुरू करते हैं एक नया अध्याय, चैप्टर नंबर 4, सारणिक। आप भी वो सारणिक मिला के आपको बोर्ड एग्जाम में बच्चों 13 नंबर मिलता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा 8 नंबर का सवाल यहाँ से एक फिक्स है, ये 8 नंबर का सवाल जो है एक फिक्स है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 इक्वेशन, 3 और 9, 3x+3 2x+3y+5z=8 टाइप का, इस तरह से 3 इक्वेशन रहता है बच्चा, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, क्लियर हुआ। 3 इक्वेशन, 3 और 9 आबयू विधि से हल करने का जो तरीका है वो क्वेश्चन हर साल, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो सवाल न पूछा गया, तो वो आपके इसके आखिरी लेक्चर में मिलेगा, संभवतः एक्सरसाइज 4.4 में मिलेगा, ठीक है, 4.3 में है शायद, ठीक है, जब भी है। लेकिन एक सवाल फिक्स है 8 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का आव्यूह से आता है, वो भी परिवर्त आव्यूह या समित विषम समित से रिलेटेड। तो इस चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी आसान है। अगर 13 नंबर का हम 13 लेक्चर में अगर 13 नंबर भी तैयार करते हैं तो 100 दिन में हम 100 नंबर का तैयार कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि हमने 8 लेक्चर में आबयू पढ़ा और 5 लेक्चर में साड़ी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल संडे को 4 से 5 में अनएकेडमी पर हम और संजीव सर दोनों का एक टाइम मैनेजमेंट को लेके एक डिबेट है, एक तरह से आपसे कन्वर्सेशन होगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़िएगा। उसका लिंक, क्लास 12 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप क्लिक करके उस पर इनरोल हो जाएं। अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन कल मिल जाएगा। वैसे 4 से 5 पे हम लोग जो है डिबेट करेंगे कि आप देखिए, बहुत बच्चे क्या है कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको टाइम का इशू होता है, घर का भी काम है, ठीक है। घर का काम करने के साथ साथ कभी मान लीजिए ट्यूशन भी है, कोचिंग है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो कैसे आप मैनेज करें, कहाँ से आप अपने चीज़ों को बूस्टअप करना है, यानी कि कम पढ़ें और ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट आए, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने में तो आएगा लेकिन समय को हमें मैनेज करना है, तो इस पर डिस्कशन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। कल है संडे और मैंने संडे को स्पेशल बना दिया है। कल 11 जुलाई को शाम 5:15 पर आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, जिसमें अभी आप तो स्कूल कोचिंग बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो लेकिन आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। लेकिन ये टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए कल के लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा आपको सेल्फ स्टडी के लिए कैसे अपना टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप सभी विषयों की तैयारी करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री की तैयारी आपको कैसे करना है, कैसे आप केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को तैयार करेंगे, कैसे आप पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व करेंगे और रिवीजन कैसे करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास 12th में हो तो कल शाम 5:15 पर आप लाइव जरूर आना। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में इसमें इनरोल कर लो। और अगर आपसे कोई कोड मांगेगा तो आपको शुभम UP10 कोड एंटर करना है, जैसे एंटर करोगे आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कल का लाइव क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी स्टूडेंट जाकर इनरोल कर लो, बहुत मजा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं जो आप भी हुए बच्चा साणिक है। पहली बात कि एक ये स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है। अगर 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा साड़ी को, और इसके एलिमेंट मान लीजिए A B C, यहाँ पे मान लीजिए D E F, और मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 5 है, 7। साड़ी को हमेशा 2 खड़ी पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आबयू में क्या होता है कि ये थोड़ा सा टेढ़िया देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आबयू का रिप्रेजेंटेशन है और एक साड़ी का है। अगर ये चीज़ें हम सीधा कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साड़ी को रिप्रेजेंट करेगा डिटरमेंट को, क्लियर हुआ। तो ये छोटी सी बात हुई, अभी बहुत चीज़ें हैं, बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्लियर हुआ। तो कल सारे बच्चे 4 से 5 में जरूर आएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी इनरोल कर लें, क्लास जैसे खत्म होता है बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, मिल के पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, सिर्फ हम ही मेहनत करें और आप जो है मटरगस्ती करें तो ये भी सही नहीं है।
यहाँ पे देखा जाए तो इसमें तीन रो और तीन कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर देखा जाए तो 3x3, 2x2 ऑर्डर का भी सारणिक हो सकता है। इसके एलिमेंट 2, 5 मान लीजिए 7, 9, ठीक है, ये अवयव कहलाते हैं। हर एलिमेंट का अपना पोजीशन जो है वो फिक्स है। अगर हमने एक बार सारणिक लिख दिया 2, 5, 7, 9, तो यहाँ पे इसका पोजीशन है ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का अवयव है, क्लियर हुआ। यहाँ पर सारणिक 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है, क्लियर हुआ, 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है। इसमें 4 रो और 4 कॉलम होंगे, ठीक है, 4 कॉलम, ये सारणी का रिप्रेजेंटेशन है एक, ठीक है, C1, C2, C3, C4, ये R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। अब अपने हिसाब से लिख लीजिए। कहने का मतलब है कि सारणिक सिंपली हम एक शब्दों में कहें तो स्क्वायर अरेंजमेंट है। जैसे आबयू में क्या होता था, आबयू में जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 0 है, 1 है, तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम है। तो ऐसा पॉसिबल हो रहा था कि आबयू में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट हो रहे थे, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं। तो एक बात क्लियर हो गया। चलिए, हर एक सारणिक का अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अपना एक मान होता है, जबकि आबयू में ऐसा नहीं है। अगर आबयू 2, 5, 7, 8, 0, 1 है तो इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा। अगर हमने सारणिक 2x2 ऑर्डर का लिखा है, 3x3 ऑर्डर का लिखा है, तो उसका एक संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। वो कैसे निकालेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना है और आज के सेशन में हम उम्मीद करते हैं, देखिए 200 लाइक आप पहुँचा सकते हैं क्या, 200 लाइक करेंगे तो आपको जल्द ही नेक्स्ट संडे को हम आबयू सारणी का टेस्ट लेंगे, ठीक है, MCQ का। MCQ 2 नंबर के सवाल, 1 नंबर के सवाल, 8 नंबर के सवाल, पूरा मिक्स रहेगा, ठीक है। 200 लाइक, तो जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी लाइक कर दें, और साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक दिए हुए सारणिक का जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। और इसमें भी एक पॉइंट और है कि सारणिक का जो, अगर 3x3 ऑर्डर का सारणिक है, ठीक है, इसका अपना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3x3 ऑर्डर का हर एक अवयव का अपना जो पोजीशन है विथ साइन, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहे। 3x3 ऑर्डर का है, अगर 2x2 ऑर्डर का है तो क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर हुआ। 4x4 ऑर्डर का है तो उसी तरह से प्लस माइनस कर लीजिएगा। तो बेसिकली ये चीज़ है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है विद साइन होता है, उसका साइन अलग होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इसको दिमाग में बैठा लेना है, क्लियर हुआ। तो ये नोट कर लीजिए, वो छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन समझना ज़रूरी है। चलिए बच्चों, आइए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एक आबयू 2x2 ऑर्डर का है, देखिएगा, ठीक है, आबयू को कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आबयू है, जब ये इसके सारणी का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जो आबयू है अगर इस सारणी की तरह ट्रीट करने लगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, क्लियर हुआ। 2, 5, 7, 9 अगर इस तरह से लिख दिया जाए, यानी ये जो आबयू है इसके सारणी का मान, डिटरमिनेंट की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो यानी ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो 2x2 ऑर्डर का अगर आबयू सारणिक है तो इस तरह से, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, क्लियर हुआ, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस लगा देंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है, 9 × 18 माइनस 35, और अपने जीवन काल में कभी घटा पाएंगे तो आ जाएगा -17, ठीक है। यानी जो ये आबयू है, अगर इसको एज ए सारणिक डिटरमिनेंट ट्रीट करें 2x2 ऑर्डर का, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू -17 हो जाएगी। और आबयू का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान नहीं होता है, ये बात क्लियर हो गई हो तो इस बात के लिए आप ताली बजा दीजिए। ताली नहीं बजाना है, आपको लाइक करना है और अपनी पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि 8 बजे तक अगर आप अपना नेट पैक भी बचा के वीडियो देख रहे हैं तो ये भी बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। इतने ज़्यादा संसाधन है आज वर्तमान समय में, आप चाहें तो 1 घंटे के अंदर अपना नेट ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से बचना है,
ठीक है, चलता फिरता है सब क्या है, आपको मौत के मुंह में ढकेले जा रहे हैं। अभी नहीं, ये बात अभी नहीं हुई, ठीक है, समस्या तब आएगी। मान लीजिए कोई आभ्यू इस तरह से दिया है, अभी साड़ी की ले लेते हैं, ठीक है, साड़ी की ले लेते हैं 25702, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कर देते हैं 572, क्लियर हुआ, 572 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बात करें, ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे लिखा जाए ना, ऐसे लिखा जाए, या मान लीजिए कोई कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कह दें कि ये ज्ञात करिए, इसका मतलब हुआ इसको हमें विस्तार करके इसका मान बताना है, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, संख्यात्मक मान क्या होगा। तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में बैठा लें कि साड़ी की जो है, साड़ी का मान किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके उसका संख्यात्मक मान निकाला जा सकता है। कैसे हम करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आज आखिरी तक देखिएगा, पहला ही लेक्चर है। अगर आपने साड़िक आभ्यू नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी अगर आप सीखते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो कैसे एक्सपेंशन करेंगे किसी रो या किसी कॉलम के सापेक्ष, आइए हम आपको सिखाते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अमूमन 99% केसों में आपको 3x3 ऑर्डर का आभ्यू ही साड़िक ही मिलेगा, ठीक है। बार बार आभ्यू आ जाएगा क्योंकि आभ्यू 9-10 दिन से चल रहा था, ठीक है। तो पहले अगर 3x3 ऑर्डर का साड़िक है तो पहले इसके साइन को आप लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर ये सारी चीज़ें हम साइड में लिखे करें ना, तो आप भी कॉपी पे लिखा करिए। गणित को समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप चैप्टर वाइज फार्मूले को तैयार करें, ठीक है। जब जो भी सारी चीज़ें बताया जाए अपनी कॉपी में साइड में नोट किया करिए, काम आता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरा मन कर रहा है बताने का। ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है C1, ये है C2, ये C3। आपको बड़ा जान के हैरानी होगा कि इसका मान जो है किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके उसका मान निकालें, न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नहीं बदलता है। कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे अभी बाद की बात है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए और अपने कॉपी में करिए, मेरे साथ करेंगे, अच्छा सीखेंगे। R1 के सापेक्ष, अगर अभी भी आप अपने खेती बाड़ी से थोड़ा फुर्सत में हो गए हों तो पढ़ाई शुरू कर दें, ज़रूरी है, ठीक है। शिक्षा लेना, और देखिए काम अपना खेती किसानी जो भी काम है घर का करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, एक बेहतर जगह पहुंचा सकता है जहां से आप अपना एक पहचान नाम बना सकते हैं, ठीक है। वो पैसे से नहीं बना सकते आप। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, यानी पहले पंक्ति कैसे विस्तार होगा देखिएगा, विस्तार करने पर, अगर कोई भी चीज़ आपके लिए नहीं हो करने पर, तो आप उसको बहुत गंभीरता से सीखा करें। देखिए पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करें R1, तो क्या करेंगे, इसका जो मान है देखिए 2 लिख लेंगे, 2 का साइन क्या है यहाँ पे प्लस। देखेंगे 2 किस रो और किस कॉलम में है, देखिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लीजिए, क्या दिख रहा है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 0 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर माइनस लगा के इसमें करेंगे, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब क्या है बच्चा, यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया -4, ठीक है। अब -4 किस कॉलम और किस रो में उसको ढक लीजिए, तो -4 जो है, 4 जो है फर्स्ट रो और क्या है सेकंड कॉलम में, ढक लीजिए तो क्या दिख रहा है, 5 के मल्टीप्लाई होगा 2 में 10 हो जाएगा, माइनस का 8 के मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 8×3=24 हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गणित नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, क्लियर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये +6। अब 6 किस रो किस कॉलम में उसको ढक लीजिए, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ढकिए तो क्या दिख रहा है, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 8 का 0 में अपने जीवन काल में कर पाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो माइनस लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, समझ में आ गया, ये -30 हो जाएगा। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, 0 में से 15 घटाएंगे तो -15 आएगा, 10 में से ये -14,
चौदह चौको छप्पन ए प्लस हो जाएगा 56, क्लियर हुआ। और 25 छक्का कितना हो जाएगा बच्चा 150, ठीक है। माइनस 30 56, घटा पाएंगे क्या, 26 आएगा, ठीक है। 26 यहाँ पे हो गया 150, तो जो भी है 176, यानी जो सारणिक है इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान है, वो 176 है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, बहुत सारणिक का मान जीरो भी हो सकता है, इसमें हैरानी वाली बात नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिए। डेली आपको 8 बजे इस भंडारे में आना है, फ्री है, इसमें कोई चार्ज किसी प्रकार कोई पैसा नहीं, आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। पिछले साल बहुत बच्चों ने यहाँ से अच्छी पढ़ाई की, हालांकि एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन उनसे पूछिएगा कि किस तरह से तैयारी कराई जाती है, ठीक है। सिर्फ बीच रास्ते में छोड़ने का काम नहीं करता है, अगर आपके साथ कोई समस्या आई हो तो शुभम क्लासेस सदैव खड़ा रहा है पहले स्थान पर, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में होगी कैसे विस्तार करते हैं। आप चाहें तो आर टू के सापेक्ष ही विस्तार कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -5, क्लियर हुआ। तो -5 किस रो किस कॉलम में उसको ढक लीजिए, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, माइनस लगा के 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस, ये तो जीरो पूरा जीरो खा जीरो हो जाएगा ये पूरा। अमूमन देखते हैं किसी रो या किसी कॉलम में जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है उसी के सापेक्ष विस्तार करिए, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। सवाल बनता है आपके दिमाग में आता है यार किस रो या किसी, जब सबका मान समान ही आना है तो किसके किसके सापेक्ष विस्तार करें। तो जिस रो या जिस कॉलम में सबसे जीरो जहाँ पर ज़्यादा है, अगर मान लीजिए इसमें एक और जीरो है यहाँ पर सपोज करिए, तो आप आर टू के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए, ठीक है। 99% केसों में हम पहले पंक्ति के सापेक्ष ही करते हैं, 99% केसों में आदत बन गई है, 1 से शुरुआत करने की, क्लियर हुआ। ये कुछ पॉइंट है कि सारणिक क्या होते हैं। सारणिक सिंपली देखा जाए तो संख्याओं का क्या है, एक वर्गाकार अरेंजमेंट है जिसका एक संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। 2x2 ऑर्डर का सारणिक हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, 4x4 ऑर्डर का हो सकता है, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है। कैसे उसको एक्सपेंशन किया जाता है, उसका कैसे मान निकाला जाता है, उस पर डिस्कस किए। ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, इसमें एलिमेंट का जो साइन है ये भी हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 4.1 के सवालों को डिस्कस करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के निहाले। तो बच्चों एक क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे हमने लिख दिया वेरी, बहुत बार पूछा गया है। अभी हमने आव्यूह पढ़ा था कि दो आव्यूह इक्वल कब होते हैं, ठीक है, जबकि दो सारणिक इक्वल कब होते हैं, ये बड़ा अंतर है। मान लीजिए यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का हमने आव्यूह ले लिया, सपोज कर यहाँ पे 2 है, 5 है, x है, 8 है, ठीक है, और यहाँ पर एक इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। किसी ने पूछा यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का आव्यूह है, यहाँ पे भी 2x2 ऑर्डर का है, इनके बीच में बराबरी का निशान लगा हुआ है, तो किसी ने कहा कि यार ये डब्बे के स्थान पे क्या क्या होंगे। तो हमको पता है कि दो आव्यूह बराबर तभी, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए और कुछ नहीं करना, आव्यूह दो बराबर तभी होते हैं जब उनके अवयव भी बराबर हों, ठीक है। यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 5 हो, और यहाँ पे 100 हो, और यहाँ पे क्या हो, 8 हो, क्लियर हुआ, तभी आव्यूह बराबर होंगे। जबकि ऐसा नहीं है, सारणिक में ऐसा नहीं है, दो आव्यूह दो सारणिक ऐसे भी हो सकते हैं जिसके ऑर्डर तो बराबर हों, अवयव अलग अलग होने पर भी सारणिक का मान बराबर हो सकता है, ठीक है। आपको विश्वास ना हो आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 5 है, यहाँ पे हम कर देते हैं 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए 10 कर लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं 8 कर लेते हैं,
ठीक है, दो टू क्रॉस टू ऑर्डर का सारणिक है, ये टू क्रॉस टू ऑर्डर का सारणिक है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। और दो सारणिक बराबर कब होते हैं, डिटरमिनेंट बराबर कब होते हैं, दिमाग में बैठाइए, जब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान यानी हल करने पे जो मान आएगा अगर वो बराबर है तब दोनों सारणिक बराबर होते हैं, जबकि आव्यूह में अंतर है। तो हमें डिफरेंस क्या है दोनों में, क्या समानता है, क्या अंतर है, इस पर भी विचार करना है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, मिक्स हो जाता है कभी। इसका मान हल करिए, चार तीन बारह, छः का मल्टीप्लाई करेंगे बारह, मान माइनस बारह, ठीक है, पाँच का आठ में मल्टीप्लाई करेंगे चालीस होगा, माइनस लगा के दसों को चालीस, यानी इसका मान जीरो और इसका भी मान जीरो, इसलिए दोनों सारणिक बराबर है। तो एक क्वेश्चन है कि दो सारणिक यहाँ पे बराबर हैं, डिटरमिनेंट का मान बराबर है, तो इसमें एक्स का मान बताना है, ठीक है, एक्स का मान बता दीजिए क्या होगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस यूज नहीं कर रहे, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, बीच बीच में गाने वाने भी गा लेते हैं, मतलब गुनगुना लेते हैं, तो अगर कोई इसमें बुराई नहीं है, तो टीचर हैं तो कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम गा नहीं सकते, हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सबको अधिकार है, पर हम लोग एक टीचर्स का, एक अध्यापक का, एक शिक्षक का दायरा होता है, ठीक है, बच्चे उनको फॉलो करते हैं, और अनअकैडमी पे हमें फॉलो भी कर लीजिए, जल्द ही ट्वेल्थ क्लास का भी हम लेक्चर ले लेंगे, ठीक है, कल है चार से पाँच, देखते हैं कितने बच्चे जुड़ते हैं, सौ बच्चे रहने चाहिए, ठीक है, सौ बच्चे। यहाँ पर साड़ी का मान क्या होगा, इसका हल करिए, थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे वन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री का वन में करेंगे थ्री हो जाएगा, चार का आठ में करेंगे आठ हो जाएगा, जब इधरियाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस लगाएंगे बीच में, ठीक है, तो ये थ्री हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एट, थ्री से थ्री कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट, ठीक है, एक्स स्क्वायर इजकल टू एट, एक्स जब आएगा प्लस माइनस अंडर रूट एट, स्क्वायर जब हटता है ना तो इधर हमेशा प्लस माइनस आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। चार गुना के आठ, चार का वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होता है दो, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस टू अंडर रूट टू, ये यानी एक्स यहाँ पर टू अंडर रूट टू ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स का दो मान है, प्लस टू अंडर रूट टू, इसके बगल ये प्लस है, या माइनस का टू अंडर रूट टू, दोनों में से कोई ले सकते हैं, यानी अगर एक्स का मान टू अंडर रूट टू लेंगे तभी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर आएगा संख्या, ये चीज़ है। तो आव्यूह का मान बराबर कब होता है, सारणिक का मान बराबर कब होता है, ये आपको अंदर से तो एक बेसिक चीज़ें समझ आ गई, सारणिक का उसका सिंबल क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आव्यूह सारणिक में क्या अंतर है, ये भी है। तो आई एक्सरसाइज 4.1 शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। चलो जो यहाँ पे बुक का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, हैरानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे एक्टिव हैं, जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं मैं बता दूं कि उनका 90 प्लस लिखा हुआ है, अगर वो चाहेंगे भी नहीं तब भी आ जाएगा, अगर थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं वीडियो 25 से 30 में, इसलिए मैं बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ। तो पर्सनालिटी 4.1 का पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, उस टाइप का हो गया, दूसरे का पहला भी बहुत आसान है, दूसरे का दूसरा थोड़ा सा ऐसे है, इसका मान बताना है, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपके बुक का ही सवाल है, बुक का करके जाएं। अच्छा, एक बच्चे ने कमेंट किया, टेलीग्राम पे मैसेज किया था बच्चा, कि सर क्या विविध उदाहरण के भी सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मेरा जवाब होगा कि 100% आते हैं, ठीक है, 15-20% कंट्रीब्यूशन होता है उदाहरण और विविध उदाहरण मिला के, एग्जाम्पल और मिसलेनियस एग्जाम्पल, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी वगैरह को लेके बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इनरोल कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम लोग लाइव होंगे 4 बजे, तो कल संडे स्पेशल लाइव क्लासेस सॉल्यूशन देखें, टू क्रॉस टू ऑर्डर का है, ठीक है, ये एक अवयव की तरह काम करेगा, ये इसको साथ ऐसे लगा दीजिए। अच्छा, बहुत बच्चे कहेंगे ना कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ये एक साथ है, अरे ऐसा नहीं, ये एक अवयव है, एक एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका मान क्या होगा? टू क्रॉस टू ऑर्डर का है, बहुत आसान है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अरे करिए भाई, मुझे मत देखिए, चलिए करिए, बहुत बढ़िया, एक्स प्लस वन माइनस लगा के इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, क्लियर है। चलिए मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे कितना हो जाएगा बच्चा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का वन में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्स को उठाएंगे, माइनस एक्स है, माइनस एक्स का एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, वन में करेंगे, वन उठाएंगे एक्स के साथ करेंगे एक्स होगा, वन का वन में करेंगे तो वन ही हो जाएगा। और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहरवा माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कटा, क्लियर हुआ, माइनस एक्स प्लस एक्स को खाया तो हमारे लिए क्या आया, वन स्क्वायर कर पाएंगे, वन का स्क्वायर वन होगा, वन और वन जोड़ पाएंगे अपने जीवन काल में, टू हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। एक्स क्यूब को काटने वाला कोई है, कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ एक्स क्यूब को काटने वाला, यानी माइनस, ठीक है, ये पॉइजन है तो इसका एंटी पॉइजन कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर खा गया तो हमारे लिए क्या आ गया, वन प्लस वन टू, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू। कितने लोग इसी को सॉल्व करने में गलती कर देंगे, मतलब जब कहीं भी मैथमेटिक्स में देखते हैं ना, जब प्लस माइनस बहुत ज़्यादा आ जाता है उसमें गलती कर देते हैं, और ये गलतियाँ ना हो ये कैसे दूर करेंगे, ये भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा कल का सेशन, चार से पाँच, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, अभी तो फ्री क्लासेस चल रही हैं वहाँ पे, चीज़ें काफ़ी आपको मॉडर्न तरह से मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, वैसे नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक आव्यूह है, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे इसका जो सिंबल है आव्यूह है टू क्रॉस टू ऑर्डर का, हमें दिखाना है कि टू इंटू ए यानी साढ़े का मान, यानी जो आव्यूह है इसमें टू का मल्टीप्लाई करिए। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। टू इंटू ए किसी आव्यूह में बच्चा अगर किसी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि जीरो ना हो तो कैसे करते हैं, देखिए वन टू फोर टू, इसके बाद जितने भी सारे सवाल हैं बहुत आसान है, सब कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका जो है सवाल लगना ही लगना है। कल हम साड़ी की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, परसों सवाल लगाएंगे, काम खत्म साड़ी का, ठीक है। 12-13 लेक्चर में 13 नंबर तैयार। हमको पता है किसी आव्यूह में जब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ना किसी एक रो किसी एक कॉलम नहीं होता है, ये हर जगह हो जाता है, हर जगह हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 टू क्रॉस टू ऑर्डर, ठीक है। अब जो है बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि ये जो है अब इसके साड़ी का मान बताइए, ठीक है। अब इसको एज ए साड़ी ट्रीट करेंगे, डिटरमिनेंट ट्रीट करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, संख्यात्मक मान, 2 का 4 में अप्लाई करेंगे 8, माइनस 8 के 4 में करेंगे 32, कितना आ गया बच्चा, माइनस 24। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, कह रहा 4 इंटू, यानी ये जो आव्यूह है इसके साड़ी का मान पहले निकाल लीजिए या 4 को मल्टीप्लाई करिए, देखिए बराबर आएगा, आने दीजिए, इसका इसके साड़ी का मान निकालिए, ठीक है। 1 का 2 में करके मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, माइनस लगा के 4 में 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8, कितना आएगा, माइनस 6, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, 4 इंटू ये जो साड़ी है, अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज है कि इस आव्यूह कैसे साड़ी बन जा रहा है, ठीक है। कपिल शर्मा शो देखते हैं, आदमी औरत बन जाते हैं ना वहाँ, वैसे ही यहाँ हो गया, जैसे कैसे हो जाते हैं, लिबास कपड़े, कपड़े से ही, तो यहाँ जब इसको कपड़ा पहना दे रहे हैं ऊपर से तो साड़ी बन जा रहा है। कपिल शर्मा शो में देखते होंगे ना, गुलाटे मुझे बहुत पसंद है, हम लोग जब भी खाना वाना बनाते हैं ना तो सुनते हैं, मैं खाना खाते समय बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। उसमें हर कैरेक्टर हैं अलग अलग टाइप के, उसमें ज़्यादा आदमी औरत ज़्यादा बनते हैं, औरत आदमी औरत तो मतलब कम ही हुआ। 4 इंटू ए, ठीक है, 4 इंटू कितने लोगों को कपिल शर्मा शो पसंद ज़रा बताएं तो, -24, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो
इससे स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू ए इसकल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू ए, ठीक है, ये चीज़ ये सॉल्व हो गई, यानी हमने प्रूफ कर दिया, सीध करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद सारे आसान क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि एक प्रश्नावली को हम एक दिन में कवर करें तो कन्फ्यूजन नहीं होता, एक वीडियो में हो जाता है। यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है, तो इसमें कह रहा है कि 3 × a करके, यानी आव्यूह a में 3 का मल्टीप्लाई करके उसका सारणिक मान निकालिए, ठीक है। तो बहुत आसान तो है, 3 × a, a मतलब 101, ठीक है, 012 00 004, ठीक है, 3x3, 3 का मल्टीप्लाई हर जगह होगा, हो जाएगा। यहाँ पे 3 होगा 0 होगा, 3 होगा 0 होगा, यहाँ पे 3 होगा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे 12, ठीक है, ये हो गया 3 × a। अब इसका मान निकालिए, इसके सारणी का मान निकालिए, बहुत आसान है। जानते क्या करेंगे, अभी अभी बताया थे कि किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर सबसे ज़्यादा 0 हैं, कहाँ पर दिख रहा है, R3 में, तीसरे रो में, क्या करेंगे कि यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो 0 प्रोवाइड करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका एक जो मान है 12 किस रो या किस कॉलम में है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, इसको ढक लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए, माइनस लगा के इधर करिए, 9 हो जाएगा 0, 12 × 108, ठीक है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड आया वो ये आया, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि आप जो आव्यूह है 3x3 ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट का मान निकालिए और उसमें 27 का मल्टीप्लाई करिए, ये चीज़ बराबर आएगा। आप इसका सारणी का मान निकालिए, ठीक है, ये जब आव्यूह सारणी की तरह ट्रीट करने लगेगा तब इसका मान क्या होगा, फिर से वही काम करना है, तीसरे रो R3 के सापेक्ष विस्तार करना है, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से क्या आएगा वो देखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 4 समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं चल रहा है। ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में, तो 1 × 1 में होगा मल्टीप्लाई, अब माइनस इधर कर देंगे 0, 1 × 0 यानी हो गया 4, लेकिन अभी बात नहीं बनी, इसमें 27 × 4 × 108 होता है। अब इसमें भी दिमाग लगाना, कहीं 27 से दुगना कितना होगा, 54 का फिर दुगना कर दीजिए, 108 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बस लिख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, क्या समीकरण 1 और 2 से क्या है, ये दोनों बराबर हो गए, प्रूफ हो गया। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में, कल सभी लोग 4 से 5 आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इनरोल कर लें पहले। इसके बाद 5, 6, 7 बहुत आसान क्वेश्चन, 8 ही क्वेश्चन है, वही साड़ी का एक्सपेंशन करना है, तो आप खूब प्रैक्टिस कर लें, किसी एक रो के सापेक्ष, दूसरे रो के सापेक्ष, कॉलम के सापेक्ष, प्लस माइनस ढक के खूब प्रैक्टिस। वैसे अभी हम लोग करेंगे सवाल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल का जो टारगेट है बच्चा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, कि जैसे आव्यूह की कुछ प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उसी तरह से साड़ी की भी कुछ प्रॉपर्टी है। कुछ साड़ी कैसे हैं जो आप तुरंत देख के बता देंगे इसका मान 0 होगा, या इसका मान ये होगा, उसका मान ये होगा, तो वो चीज़ें आप जब जानेंगे तब, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा, नई चीज़ें आपको सीखने को मिली हूँ, इस बात के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपनी पीठ थपथपा लीजिएगा कि कम से कम 30 मिनट धैर्य के साथ देखे तो सही, इस बात के लिए आप खुद की प्रशंसा करिए। बहुत कठिन है, YouTube पे 30 से 40 मिनट लगातार देखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं इसी जो सुन के साथ,
तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए, हर कार्य करते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है? तो कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।